सो गाइस वेलकम बैक। एंड एक बार फिर से भाई साहब वही चीजें हुई जो अक्सर होती हैं भाई साहब अक्षय पाजी की मूवीज को लेकर के। जब अक्षय पाजी कोई मूवी रिलीज होती है तो लोग दुनिया भर की बातें करते हैं मूवी रिलीज होने से पहले कि इसमें तो फेक है, इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है, भाई रियलिटी कुछ और होगा। बट अब क्या हो गया, अब भाई साहब कहाँ भाग जाते हैं, जब सच्चाई सामने आती है तो लोग कहाँ भाग जाते हैं। आपको याद है गाइस जब इस मूवी का टीजर रिलीज होता, जब इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था भाई, दुनिया भर के लोग बातें कर रहे थे कि इस मूवी के अंदर VFX बहुत बेकार यूज़ किए गए हैं, बहुत थर्ड क्लास VFX यूज़ किए गए, भाई पानी पानी लग ही नहीं रहा है, अक्षय कुमार कितना VFX यूज़ करता है। बट जब अब भाई साहब यहाँ पे सच्चाई सामने निकल करके आया इस मूवी का कि आखिर एक्चुअली में इस मूवी को बनाने के लिए कितनी मेहनत, कितनी शिद्दत के साथ और भाई साहब कितनी सच्चाई के साथ इस मूवी को शूट किया गया है। भाई पानी चाहिए था आपको, डूब मरो पानी कहते, इतना पानी भाई साहब इस मूवी के अंदर यूज किया गया, सच्चाई के साथ मूवी को बनाया गया। साफ साफ तौर पर अक्षय पाजी ने वीडियो शेयर किया है, आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को भाई साहब, यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा था, फ्रॉम रियल टू रील दिस जर्नी वॉज चैलेंजिंग येट रिवॉर्डिंग फॉर ऑल, बुक टिकट्स नाउ एंड वॉच मिशन रानीगंज। गाइस सिंपल सी बात है, ये एक ऐसी फिल्म है भाई साहब जिसको कहीं ना कहीं पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए यार। सच्ची घटना को सच्चे रूप में दिखाने के लिए कितनी मेहनत इन लोगों ने किया होगा भाई, इतना सारा पानी, इस पानी को देखो भाई, इतना सारा पानी और उस पानी के बीच में 6-7 घंटा लगातार शूटिंग करना कोई मामूली बात है? कोई 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 फेंकने से इसके अंदर, किस हद से फेंकने से भाई, जितने आर्टिस्ट है भाई, डायरेक्टर ने कहा कि मैंने अपना 100% दिया है, अक्षय पाजी ने कहा कि डायरेक्टर ने अपना 100% दिया, मैंने अपना 100% दिया, इस मूवी के अंदर जितने कास्ट हैं हर किसी ने अपना 100% भाई, 65 जितने भी लोग इस मूवी के अंदर भाई साहब वो बंदे कास्ट कर रहे थे, हर किसी ने भाई अपना 100% दिया। एंड इस चीज़ की सच्चाई आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं भाई। अब और क्या प्रूफ चाहिए, लोग बोल रहे थे पानी फेंके, ये क्या है फिर, ये फेंकने से वो जो लहर आप देखते हैं मूवी के अंदर, जिस तरह से वो लोग लहर को पार करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से मंडी में लोग एक तरफ से चलते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें भाई सब एक्चुअल रियल थी। आपको बता दूं गाइस जब मैंने रिसेंटली इंटरव्यू लिया था इस मूवी के कास्ट के साथ, तो उन्होंने साफ साफ ये चीज़ कहा था कि इस मूवी के अंदर जितनी भी चीज़ें आप देखने वाले हैं काफ़ी सारी चीज़ें मैक्स टू मैक्स सही हैं। एंड इस मूवी की शूटिंग के लिए सच में गड्ढे खोदे गए थे भाई साहब, वहाँ पर माइनिंग पूरा तैयार किया गया था, ऐसा लोगों को लगना चाहिए प्रॉपर सच्चाई, एंड इसलिए से इतनी मेहनत की गई है। एंड उसके अंदर इतने सारा पानी डाला गया, उस पानी के बीच में उतनी गर्मी के बीच में यहाँ पर टीम मेंबर्स के साथ साथ अक्षय कुमार बाकी के स्टार कास्ट हर किसी ने भाई सच में मेहनत की, असली पानी के साथ शूटिंग किया और वो चीज़ें हम लोग देखते हैं। क्या लगता है, मजाक चालू है? थोड़े मोड़े VFX हर मूवी के अंदर यूज करते हैं लोग, लेकिन ये जो सच्चाई है वो आपके सामने आने जरूरी थी भाई। कई लोग मजाक बनाते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन जब सच सामने आता है तो लोग मुंह उठा के चल देते हैं। एंड सिंपल सी बात है, अभी सच्चाई सामने आ चुकी है कि भाई ये रियल लोकेशंस के ऊपर हुई है। कई लोग बोल रहे थे कि जो आप लोग देख सकते हैं साइड में दीवार वगैरह सब कुछ नकली है, ये पूरा फेक है, यहाँ पर पानी नहीं था, वो दीवार नकली है। अब ये क्या आप लोग देख रहे हो, ये भी नकली है, वो पूरा शूटिंग चालू है, मतलब BTS वीडियो भी नकली हो सकता है, किस दुनिया ये लोग आए रहेंगे, वी डोंट नो। बट गाइस दिस इज द सच्चाई, दिस इज द ट्रूथ, और कहीं ना कहीं हम सभी को जानने जरूरत है। इतनी मेहनत इन लोगों ने किया, इतनी दिल बोलते ना शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस मूवी को बनाया है। अगर ऐसे मूवी को कोई सपोर्ट नहीं कर सकता तो क्या ही बोलना यार। एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म, सच्चाई के साथ बनाई गई फिल्म और असली पानी के साथ बनाई गई फिल्म। इतनी पानी है ना कि सारे के सारे हेटर्स इसमें डूब डूब के मर जाएं, इतनी पानी है। अब तुमको कितना पानी चाहिए, कितनी सच्चाई चाहिए कि भाई टीनू सूरज देसाई एक ऐसा डायरेक्टर है जिसे फेकनेस दिखाने की जरूरत नहीं, उसे नकली VFX दिखाने की जरूरत नहीं, उसने सच्चाई के साथ इस मूवी को बनाया है और ये उसकी सच्चाई है गाइस, ये उसकी सच्चाई है। ज़बरदस्त भाई साहब बोल रहा हूँ, सीरियसली गाइस ज़बरदस्त, कहीं ना कहीं यहाँ पे दिल जीत लिया इस बंदे ने। अक्षय पाजी ने अपनी जो बात कही वो सामने प्रूफ के साथ रखा कि भाई ये कोई VFX नहीं है, ये रियल है और रियल से रियल तक गया है भाई। रियल से रियल तक के जाने का सफर बहुत कम मूवीज़ के अंदर होता है, सीरियसली गाइस बहुत ज़बरदस्त। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देख करके, इन चीज़ों को दिखा करके कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी मूवी की ईमानदारी सामने रखी है, और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए। तो अभी भी अगर आपके पास मौका है तो जाओ सपोर्ट करो इस फिल्म का भाई, ऐसे चांस बार बार नहीं आते, इतनी ईमानदारी के साथ हर मूवी को नहीं बनाया जाता। ज़बरदस्त गाइस, एंड मैं तो बोलता हूँ अक्षय पाजी को आगे चल करके टीनू सूरज देसाई के साथ और बड़ी बड़ी मूवीज़ बनानी चाहिए। बाकी आपको जो भी लगता है कमेंट करो, और जितने भी लोग को पानी नकली लग रहा था ना भाई, इस पानी के अंदर जाकर डूब मरो। बाय बाय।